Okay guys, let's start our chapter, exercise 2.3, page 30, the linear equation. Okay, question number 8, इसे हमें solve करना है, 3x by 3 plus 1 is equal to 7x by 15 plus 3, इसको थोड़ा zoom करते हैं. Okay. See, RHS में LHS में कौन है? 2x by 3 plus 1. RHS right hand side में कौन है? 7x by 15 plus 3. Okay. सबसे पहले हम transpose करो. ये x हमेशा क्या है? Variable. X वाला को हमेशा कहाँ रखना है? LHS में. कहाँ रखना है? LHS. और बिना x वाला, बिना variable वाला कहाँ लेना? RHS में लेना. तो यहाँ में x वाला कौन है? 7x by 15, तो obviously इसको हम कहाँ ले जाना है? LHS. तो हम इसको ट्रांसपोज करेगा, कहाँ करेगा? LHS में. तो 2x by 3 माइनस ये 7x by 15 कहाँ से आया? RHS से कहाँ है? LHS. प्लस था क्या हो गया? माइनस. ओके, देन ये प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ सिर्फ कौन रहेगा? 3. ओके, नाउ फिर अगेन क्या है? ये मॉन को हम कहाँ ट्रांसपोज करेंगे? इसको हम LHS से RHS, तो प्लस है तो क्या हो गया? माइनस. ठीक है, नाउ डिस टू को क्या करना? हमको LCM लेके, हम बहुत बार बता चुके हैं, नीचे वाला LCM लो, 3 और 15 का LCM लो, कितना हो जाएगा? 15. ओके, ये 3 ने 15 को डिवाइड करो, कितना मिलेगा? 5. 3 5 जा 15, 5 5 ने 2x को इंटू करो, 5 2 जा 10, 10x. ओके, माइनस 15 1 जा 15, 1 इंटू 7x कितना हो जाएगा? 7x. तो 10x माइनस 7x बाय 15 इज इक्वल टू 3 माइनस 2, 3 माइनस 1, 2. 3 से माइनस 1 कितना होगा? 2. 2. ओके, सी 10x से 7x क्या कितना हो जाएगा? 10x माइनस 7x, 10x से माइनस 7x को माइनस करो, कितना हो जाएगा? 3x बाय 15 इज इक्वल टू 2. मैंने पहले ही बताया, अगर कोई भी नंबर इधर x का साथ डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा? RHS में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. RHS में कौन था पहले? 2 था. 2 का साथ ये 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके, 2 इंटू 15 हाउ मच? 30. 2 और 15 को इंटू करेगा, कितना मिलेगा? 30. तो 3x इज इक्वल टू 30. ये 3 किसका साथ मल्टीप्लाई है? x. तो क्या हो जाएगा? ये 30 का डिनोमीटर में चला जाएगा, 30 का डिनोमीटर में जाके क्या हो जाएगा? 3, 30 बाई 3. फिर 3 ने 3 वन जेड कटो, तुम 3 वन जेड 3, 3 टेन जेड 30. एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? 10. एक्स इक्वल कितना हो गया? 10. ओके गाइस, तो हमारा कितना हो गया? x इज इक्वल टू 10. फिर हम इसको क्या करना है? अभी चेक करना है ये LHS और ये RHS इक्वल है कि नहीं है, हम इसको चेक करना पड़ेगा. ठीक है, ओके ओके गाइस, इसको स्लो, नाउ वी हैव टू चेक. अभी हम इसको चेक करेंगे, यहाँ LHS और ये RHS इक्वल है कि नहीं, इसको हम चेक. देखो यहाँ RHS में कौन है? 2x by 3 plus 1 ना, देखो 2x plus अली LHS, LHS में कौन है? 2x by 3 plus 1, 2x. तो इसको इक्वल है कि नहीं चेंज करना. फिर ये RHS में कौन है? 7x by 5 plus 3, तो RHS में कौन है? 7x by 15 plus 3. नाउ अभी हम इसको चेक करेंगे, RHS इक्वल के नहीं है, हम इसको चेक करेंगे. ठीक है, तो ये नीचे कुछ नहीं, क्या होता है? 1 होता है. देखो 3, 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना हमारा? एक्स का वैल्यू कितना मिलता है? 10. ओके, 2 10 जा 20, 20 बाई 3 प्लस 1 बाई 1. ठीक है, या 7x बाई 15 प्लस 3, एक्स का वैल्यू कितना है? 10. 7 10 जा 70 बाई 15. ओके, प्लस तो यहाँ देखो 20 बाई 3 प्लस 1 बाई 1. तो पहले हम LHS को पकड़ो. ठीक है, 20 बाई 3 1 बाई 1, LCM कितना हो? 3 और 1 का LCM कितना हो गया? 3. ठीक है, फिर 3 1 जा 3, 1 20 जा 20. ओके, फिर यहाँ 1 3 जा 3 डिवाइड करेगा, 1 ने 3 को डिवाइड करेगा ना, 3 3 1 जा 3, तो कितना हो गया? 20 प्लस 3, 23 बाई 2. ओके, नाउ LHS में देखो 7x बाई 15, x का वैल्यू कितना? 10. तो 7 इंटू 10 70 हो जाएगा. ठीक है, ये 7 और 10 को इंटू करेगा तो बाई 15 प्लस 3 बाई 1, नीचे कुछ नहीं होने से 1 होता है. ओके, ये 1 ऑफ, तो ये 15 और 70 काट सकते हैं. देखो 50 और 70 को हम काटना है, 50 और 70 को हम काटेगा. ठीक है, 15 को
फाइव थ्री जो 15, फाइव वन जो 5, टू यहाँ आएगा 20, फाइव फोर जो 20, तो 14 बाई 3। तो ये दोनों काट के कितना हो गया 14 बाई 3, ठीक है। एन थ्री नीचे कुछ नहीं सके, 1, 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 3, ओके। डिवाइड 3 वन जो 3, 1 14 जो 14, 1 3 जो 3, 3 3 जो 9, ओके। 14 प्लस 9 कितना हो जाएगा 23 बाई 3। देखो आर एच एस इक्वल टू एल एच एस, तो क्या हो गया आर एच एस इक्वल टू एल एच एस। नाउ इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। हमें एक बात को बहुत ध्यान देना है, सोचो देखो ये 3x प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ये क्या है एल एच एस ना, जस्ट एग्जाम्पल है, ये क्या है आर एच एस, ये आर एच एस राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ऐसे में क्या हो ये वेरिएबल वाला कौन है, ये x है, ये x, हमेशा वेरिएबल को कहाँ रखना है एल एच एस में रखना, कहाँ ये x वाला कहाँ, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखना, जैसे 3x ये आर एच एस एल एच एस में आ गया, प्लस है तो माइनस बन जाए, ठीक है। और जो बिना वेरिएबल वाला, बिना x वाला कहाँ रखना, हमेशा आर एच एस में रखना, कहाँ आर एच एस में, कहाँ रखना है आर एच राइट हैंड साइड में रखना, जैसे कि 4 पहले से था, ये प्लस 2 माइनस 2 हो जाएगा, ये 1 माइनस 2 हो जाएगा, तो हमेशा कहाँ है वेरिएबल वाला को कहाँ रखना एल एच एस में रखना, और बिना वेरिएबल वाला जो बिना एक्स वाला कहाँ रखना है राइट हैंड साइड में रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, वी हैव टू सॉल्व दिस वन ऑल्सो, इसको भी हम सॉल्व करना है। यहाँ क्या बोल रहा है 2y प्लस 3, 5 बाई 3 इज इक्वल टू 26 बाई 3 माइनस y, ओके। पहले हमको इसको सॉल्व करना है, y का वैल्यू निकलना है, क्या है पहले हम इसको y का वैल्यू निकलना है। देखो यहाँ एल एच एस में कौन है 2y प्लस 5 बाई 3, आर एच एस में कौन है 26 बाई 3 माइनस y, ठीक है। तो फिर हमको यहाँ हम बोला ना वेरिएबल वाला कहाँ रखना, वेरिएबल मीन्स एक्स वाई जो कोई भी हो, टी डी जो भी हो वेरिएबल, यहाँ में वेरिएबल कितना है 1, 2 है, ये वेरिएबल को हमेशा कहाँ रखना है एल एच एस में रखना, तो हम ऑब्वियसली हम इसको एल एच एस में ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, ट्रांसपोज टू एल एच एस, तो ये 2y पहले से था, ये माइनस वाई क्या हो जाएगा यहाँ आ जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। और ये नॉन वेरिएबल जिसमें वेरिएबल नहीं एक्स वाई नहीं है, वो कहाँ, उसको हमेशा कहाँ रखना है आर एच एस में रखना, तो एल एच लेफ्ट हैंड साइड आर एच एस जाएगा तो प्लस हो तो क्या हो जाएगा माइनस 5 बाई 3, ओके। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 2y प्लस 1y कितना हो जाएगा 3y, 2 प्लस 1 कितना 3, 3y हो गया, ये 3 3 एलसीएम ले लो, ठीक है। ये फ्रैक्शनल नंबर है, फ्रैक्शन नंबर का जब हम एडिशन एड करेगा तो हमेशा क्या करना, डिनोमीटर को हमेशा एलसीएम लेना, हम ऊपर प्लस ऊपर माइनस नीचे नीचे माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये रेशनल नंबर है, तो हमेशा हमारा रेशनल नंबर में क्या करना है डिनोमीटर को एलसीएम लेना, यहाँ 2, 3 है ना, ये दोनों को एलसीएम लो, एलसीएम लेकर कितना हो जाएगा 3 मिलेगा, फिर इसने नीचे वाला डिनोमीटर ने एलसीएम वाला को डिवाइड करो 1 मिलेगा, 3 1 जै 3, फिर जितना डिवाइड कर मिलेगा ऊपर न्यूमरेटर को प्लस इंटू करो 1 26 जै 26, या 3 1 जै 3, 1 5 जै 5, ठीक है। 26 माइनस 5 कितना हो जाएगा 21, तो 21 बाई 3, और 3 और 21 काटेगा 3 से काटेगा, 3 1 जै 3, 3 7 जै 21, कितना हो गया 7 बाई 1, नीचे 1 लिखने चाहिए, तो यहाँ 3y इज इक्वल टू 7, फिर ये y का सेट मल्टीप्लाई है 3, तो 3 कहाँ चला जाएगा y का डिनोमीटर में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा y का वैल्यू 7 बाई 3, ओके। तो y का वैल्यू कितना मिला 7 बाई 3। नाउ वी हैव टू चेक, अभी हम इसको चेक करना, ये एल एच एस और आर एच एस इक्वल है कि नहीं, हमको इसको चेक करना है, ओके। नाउ यहाँ एल एच एस में कौन है 2y प्लस 3 बाई 5 ना, ये एल एच एस का, आर एच एस में कौन है 26 बाई 5 माइनस वाई, ठीक है, हम इसको इक्वल है कि नहीं हम इसको चेक, ओके। तो हम इसको चेक करेंगे एल एच एस इक्वल है कि नहीं है, एल एच एस और आर एच एस इक्वल है कि नहीं, हमको यहाँ चेक करना। देखो ये एल एच एस है, ओके, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड का है पूरा, 2y, y का वैल्यू कितना था 7 बाई 3, ठीक है ना, y का वैल्यू कितना मिला था सॉल्व करके 7 बाई 3, 2 इंटू 7, 14 बाई 3, 5 बाई 3 हो गया, दोनों का एलसीएम लेके प्लस, एलसीएम कितना होगा 3,
डिवाइड 3 1 जै 3, 14 1 1 14 जै 14, 3 1 जै 3 1 5 जै 5, ठीक है, 14 प्लस 5 कितना हो जाएगा 19/3, ओके। सेम आर एच एस 26/3 माइनस वाई के वैल्यू कितना है 7/3, ये 7 है, 7/3, 3 3 एल सी एम कितना हो जाएगा 3, डिवाइड करो 3 1 जै 3 1 26 26, ओके, माइनस 3 1 जै 3 1 7 जै 7, 26 से माइनस 7 करो कितना हो जाएगा 19/3। नाउ सी, नाइन भी आर एच एस भी 19/3, एल एच एस भी 19/3, सो दिस इज चेक। तो हम इसको हम चेक कर ले, दोनों इक्वलेंट से क्या है, दोनों सही है, सो इट इज चेक, ओके। सो वी हैव चेक ऑलरेडी वाई के वैल्यू कितना 7/3, और हमने चेक किया 19/3 मिला एल एच एस भी, आर एस भी 19/3 मिला, सो इट इज चेक। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, यू हैव टू सॉल्व दिस ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। तो हम इसको पहले सॉल्व करना, पहले हम इसको सॉल्व करना, ठीक है, हमको सॉल्व करके m का वैल्यू निकालना होगा। सी एल एच एस में कौन है, सिर्फ 3m है, आर एच एस में कौन है 5m माइनस 8/5। तो हम पहले ये 5m को, हम कहाँ ये वेरिएबल है ना, हमेशा बोला वेरिएबल को कहाँ रखना है, एल एच एस, तो 3m ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, एल एच एम जाएगा तो माइनस 5m हो जाएगा, ठीक है। तो 3m माइनस 5m क्या हो जाएगा, टू माइनस 2m, क्योंकि माइनस का बड़ा है ना, माइनस 5m है, प्लस का ओनली 3 है, तो जो बड़ा है वो आएगा, ठीक है, माइनस 2m इज इक्वल टू माइनस 8/5। तो यहाँ भी माइनस है, आगे यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस से हम मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके। तो 2m इज इक्वल टू 8/5, तो 2m का सब मल्टीप्लाई कहाँ चला जाएगा, डिनोमीटर में चला जाएगा, 8 का, 8 का डिनोमीटर कौन है 5, 5 का सब मल्टीप्लाई करो 5 2 जै 10, तो कितना हो जाएगा 8/10, 8/10 को 2 से काटो, 2 4 जै 8, 2 5 जै 10, तो कितना हो जाएगा m का वैल्यू 4/5, ओके। तो हमारा m का वैल्यू कितना मिला 4/5। नाउ वी हैव टू चेक, तो हमें अभी क्या करना है, हमें चेक करना है कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है कि नहीं, हमको ये चेक करना है, ठीक है। देखो एल एच एस में कौन है 3m, एल एच एस में क्या था 3m, 3 इंटू एम का वैल्यू कितना निकला 4/5, 3 4 जै 12, 12/5, ओके। यहाँ देखो आर एच एस में कौन, देखो 5m माइनस 8/5, m का वैल्यू कितना है 4/5, यहाँ 5 5 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 4/1 माइनस 8/5। फिर यहाँ दोनों डिनोमीटर को एल सेम लो, एल सेम लेगा तो 5 मिलेगा, डिवाइड करो 1 5 जै 5, 5 4 जै 20, फिर 5 1 जै 5, 1 8 जै 20 से 8 जगह 12, तो 12/5। देखो आर एच एस भी 12 है, एल एच एस भी 12, तो हम ये क्या हो गया, आर एच एस इक्वल टू, आर एच एस इक्वल टू 12/5, तो हम इसको चेक कर, ओके, तो हम इसको चेक कर दें, ओके। मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जैसे कि माइनस 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा, ये तो 1 होगा, ठीक है, क्यों प्लस 12 है। अगर माइनस 8 प्लस 7 होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1, क्योंकि माइनस 12 है, ठीक है। और माइनस ऑफ माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस इंटू करने से क्या होता है, प्लस 2 होता है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस 12 होगा तो लास्ट में साइन प्लस आएगा, अगर माइनस का साइन 12 होगा तो माइनस साइन आएगा। ये जस्ट फॉर एग्जांपल, ये सिर्फ हम एग्जांपल बता रहे हैं, ओके, सिर्फ एग्जांपल, ओके। दैट्स मच फॉर टुडे गाइस।